और तू तू भड़वे मीडिया का सहारा लेता है। अबे पागल, अबे बेवड़े, जो मोमिन मलिक के पास जो कागज हैं, मोमिन मलिक सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट फीस दाखिल करके कोर्ट से लेके गया है जी। जिनका कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड होता है, किसने नकल ली? मैं बेवड़े वहां जाके देख ले मीडिया का। और जिस समय मैं नहीं कहता कि मैं मीडिया में आना चाहता था या नहीं, पर मीडिया वाले मेरे पास आए जी, तो मैंने उनसे बातें की। लेकिन मीडिया वाले जब मुझ पे आ रहे थे तो उसने, इसलिए मैं बता रहा हूं जी, इसी की साजिश के तहत मीडिया वाले मुझसे थोड़ा आउट हुए। क्यों? उसका कारण है, मैं ज्यादा अमीर व्यक्ति तो हूं नहीं, मैं मेहनत की कमाई खाता हूं, मैं हराम की कमाई मैं नहीं खाता जी। इसके पास पता ना कैसी कमाई है कैसी नहीं है, दुनिया जानती है, सभी को पैसे दे सकता है, मीडिया को भी हो सकता है कि कूपन हो इसमें खरीद सकता है, और हो सकता है कि वो चैनल इसने खरीद लिया हो जी। और मैं मानता खरीद लिया हो जिसने मुझे ये बात बता दी। एक चैनल वाले ने मुझको ही बताया था कि हिमन जी वहां तो उस समय जिस समय सीमा बड़ी हाईलाइट थी, आई आई थी, बिल्कुल नई नई थी, कि वहां तो सीमा के घर वही लोग जा रहे हैं जिसको एपी सिंह कह देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आपसे सही सही जानकारी दी उन्होंने आपको, बिल्कुल बिल्कुल। साले जांच तो अभी तेरी होगी, बताऊंगा मुझे उस चैनल वाले का, चैनल का नाम आ जाएगा, मुझे बताऊंगा मैं कौन था वो। और वहां अकेला मैं नहीं था, मेरे मित्र भी थे, दो तीन मित्र भी थे मेरे, जिनके सामने उस चैनल वाले ने मुझको ये बातें बताई थी। तो मैं उसी दिन से, सरिता जी, मैं उसी दिन से, मैं भी पागल नहीं हूं, एडवोकेट हूं मैं उसी दिन से मुझे ये मेरे दिमाग में बात बैठ गई थी कि अब यहां कस्बे के अंदर थिएटर शुरू हो जाएगा। उसी दिन से थिएटर शुरू हो गया। हाँ, लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे सारी दुनिया को, इसी की बदौलत जी जी, टोपी सिंह की बदौलत जी, जानबूझ कर करवाया सर इसने ये ड्रामा। कल सर ये अपने मुंह से कहता मैं मुर्गी पालता हूँ और अंडे लेता हूँ, ये अपने मुंह से बोलता है मैं मुर्गियां पालता हूँ अंडे लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सीमा नाम की मुर्गी पाल रखी है वो सोने का अंडे। अभी अभी सुन ले, सुन ले भाई, अभी तुझ पे निर्भया जैसे ही मामले आ गए, मामला अब आया है, तेरी पोल तो अब खुलेगी इसमें। बिल्कुल, अभी खुलेगी पोल तेरी, जो तेरे जो जो इसका बयान आया है, मोबिन सर ने जो अभी डिफेमेशन का केस डाला है 10-10 करोड़ का तीनों पे, एक हफ्ते का टाइम दिया है, अगर एक हफ्ते अंदर कुछ नहीं करते तो कार्रवाई होने वाली है। ये जो गुलाम हैदर का साला है ना, ये अब बौखला रहा है, ये बौखला रहा है, बिल्कुल बौखला गया है, दिमाग ठिकाने पे नहीं है। देखिए अब बुद्धि नहीं है, सुनिए मेरी बात सुन सर, अब मैं इसको अपना साला कतई नहीं कहूंगा, नहीं, उसका कारण बता रहा हूं मैं। सीमा से मेरा कोई रिश्ता नहीं, सचिन से मेरा कोई रिश्ता नहीं था एज ए क्लाइंट, लेकिन जब मुझे सारी बातें पता चल गया, पहले ही चल चुकी थी, सीमा पाकिस्तान की तो है ही, और गुलाम हैदर की पत्नी है जी, और जो सीमा के भाई हैं तो गुलाम हैदर के तो लाजमी है कि वो साले लगेंगे जी। और जो बेवजह की बात करने वाला व्यक्ति है और अपने आप को एक एडवोकेट बताता है और एडवोकेसी जानता नहीं है, सिर्फ हल्ला मचाता है, यूट्यूबर एक आई थी वो देखी थी उसके घर में आके उसको लड़की को धमका रहा है, प्लांटेड। और सुनिए मेरी बात सुनिए, जो आज इसने वीडियो डाली है ना, जो मैंने देखी है अभी, वो भी प्लांटेड है।
यस सर यस यही तो बता रहे प्लांटेड है, बिल्कुल प्लांटेड है। अबे तू जो वकालतनामे और फाइल दिखा रहा है भैया, तू उन्हें कहीं डाल। अबे अब से पहले तो तूने मिसेस भाटी के लिए भी कहा था कि नोटिस भेज रहा हूँ मैं, yes, 8 महीने पहले। yes, हाँ जी बिल्कुल, जिसने सचिन को लप्पू कहा था मिसेस भाटी ने, उसको भी तो तेरे नोटिस भेजा था, आज तक तो उसके पास नोटिस आया नहीं। जी बिल्कुल, अब तू कर रहा है कि याचिका उत्तर प्रदेश पुलिस को ये दे रहा हूँ और मुंह से भेजेगा, वकील है ही नहीं तो किस मुंह से भेजेगा, शर्म नहीं आएगी उसको। इसकी बचकानी बातें और देखिए कि गृह मंत्रालय में याचिका दे रहा है। जी गृह मंत्रालय में, अरे या कानून पढ़ ले भाई, गृह मंत्रालय में कौन जाएगा, इतना तो हमें भी पता है गृह मंत्रालय क्या है। गृह मंत्रालय जब तक कोर्ट इजाजत नहीं देता है, जब तक हमारी अदालत इजाजत नहीं देती है, कोई भी काम नहीं कर सकता है, कोई भी कहीं कुछ नहीं डाल सकता। और सुन ले, सुन ले, सबसे बड़ी बात क्या है, अपना लिखा हुआ पढ़ रहा है भाई, दिखाना मुहर कहाँ पे लगी हुई है, अगर तुमने मैडम जी ये कोर्ट भवन में जब जाता है ना तो ये अपनी किताब ही लिखता है वहां बैठकर। एक मिनट मेरी बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए मेरी, जो इसने थोड़ा मुझ पे वो लगाया कि दूसरे पक्ष के वकील को कागज दे दिए जी, वहां जाकर देख तब इस बात को कहना, तुझे जानता कुछ है नहीं और मानता भी नहीं है। सब सादा है, मानता सादा है बेचारा, क्या करे सादा है, यही का दिमाग मोटा दिमाग बचकानी हरकतें उभर रहे हैं। इसको सादा मत कहो, इसको आधा कहो, आधा, यस आधा है सर। सर जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा है ना, दिमाग बुद्धि उतनी छोटी होती जा रही है इसकी। बुद्धि पहले से ही नहीं थी, बुद्धि पहले से नहीं थी तो दिल्ली बैठ के जो दोषी थे उनके लिए लड़ता, अगर बुद्धि होती तो जी। बुद्धि ही नहीं थी इस केस में, भगोरे नहीं, इसको बहुत बुरा लग रहा है कि सीमा को भगोरे बोलते हैं, उसको शारीरिक प्रताड़ित करते हैं, उसको मानसिक प्रताड़ित करते हैं, भाई उसके घर कौन जाता है, तू जाता है निर्भया के, कौन प्रताड़ित कर रहा है सीमा को, खुद कर रहा है प्रताड़ित, हम तो नहीं जाते उसके घर, हम इस हमारे देश में आई हुई है, हमारे देश में आई हुई है, घुसपैठिया है, वो क्रिमिनल है, वो अपने बच्चों को खुद, वो हैदर भाई के बच्चों को यहाँ किडनैप करके आई है, किडनैपर है वो तो कैसे उसको उसका साथ दे सकता है, अगर हैदर भाई यहाँ पे आएगा तो हैदर भाई को बोला हम जेल करवा देंगे, क्यों करवा देगा भाई, तो जेल कहाँ का 30 लाख का हो रहा भाई, तो है बौखला रहा है। और दूसरी बात बहन जी, इसको निर्भया के परिवार का श्राप लेकर के डूबेगा इसको, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निर्भया के परिवार का श्राप इसको लेकर के डूबेगा बिल्कुल। और मैं बता रहा हूं एपी सिंह सुन ले, जब तू रात को सोए तो कभी निर्भया के विषय में सोचना, निर्भया केस के विषय में सोचना भाई, तू सोचेगा तो सर चार पैसे नीचे गिर जाएगा ये। प्राकृतिक आपको लगता है ये सोचेगा, अगर ये पीछे की सोचता तो ये इस केस में इतना गलत, इतने घृणित, इतने गंदे काम नहीं करता। यस मैम, अगर भगवान इसको सद्बुद्धि दे दे तो ये सोचेगा, भगवान इसको सद्बुद्धि दे दे तो सोचेगा, और मैं बता देना चाहता हूँ, और अगर सोचेगा तो भगवान इसको सद्बुद्धि देंगे, और ये जो बेकार की बातें करता है ना ये, उनसे भी भगवान इसको निजात दिला देंगे, हो सकता है कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे दे,
जो कानून से हटके बात करता है कि मैं इसको नागरिकता दिलवा दूंगा, मैं इसका ये करवा दूंगा, मैंने इसका ब्याह करवा दिया, मैंने इससे राखी बंधवा ली, मैंने इसको हरियाली ट्वीज करवा दी, और मैंने इसकी करवा चौथ मनवा दी, और मैंने इसके फेरे डलवा दिए, और मैंने इसको बहुत बातें हैं, कहां तक गिनवाऊं मैं। बकवास करता है, इसके बस की बकवास करना है, इसके बस की। आज तक हमने तो कभी सुना है कि किसी ने कोई केस लड़ा हो और उसमें जीत हासिल की हो, कभी नहीं, हमने तो सुना ही नहीं, कभी नहीं सुना हमने, जहां देखा वही माफ खाई है इसने। हंसी करवाएगा यूट्यूबरों को, हंसी जबरदस्ती गुस्सा है, जबरदस्ती गुस्सा है, हंसी करवाएगा यूट्यूबरों को किस सेक्शन के तहत करवाएगा भाई। और जो तू कह रहा है ना यूट्यूबरों को धमकी दे रहा है, इन धमकियों से वो यूट्यूबर डरने वाले नहीं है मेरे भाई। कभी तू सोच रहा हो कि डर जाएंगे और ये अपनी आवाज उठानी बंद कर देंगे? कभी भी नहीं। देश हित में आवाज उठा रहे हैं, देश हित में, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये एक भगोड़े को तय दे रहा है, एक भगोड़े को बचा रहा है, ये तो देशभक्त हो गया। और अगर उन चार बच्चों को उनके पिता से मिलाने के लिए अगर उनके हित में लड़ रहे हैं तो हम गद्दार हो गए। हमारे ऊपर ये नोटिस भेजेगा, बेल नोटिस है तो गीता भाटी को और कमलेश भाटी को भी भेज रहा था, क्यों नहीं भेजा? पर पहले अगर नोटिस भेजेगा ना तो पहले वकालतनामा का नाम होना चाहिए,